सोलन के कोनिहार में गुरुकुल स्कूल द्वारा गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान अरुणा ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई, वहीं वर्तमान प्रधान राकेश ठाकुर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर स्कूल प्रबंधन द्वारा ध्वजारोहण किया गया और सभी प्रदेशवासियों के लिए सुनहरी भविष्य की कामना भी की गई। कोरोना संक्रमण के चलते इस कार्यक्रम को सूक्ष्म रूप में मनाया गया और कार्यक्रम में शहरवासियों को ऑनलाइन माध्यम से जोड़ा गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य अनुश्रीता सिंह ने स्कूल के बारे में विस्तृत जानकारी दी और भविष्य में स्कूल का समाज के लिए क्या योगदान रहेगा ये भी बताया गया। प्रधानाचार्य अनुश्रीता सिंह ने प्रदेशवासियों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने बताया कि स्कूल प्रबंधन द्वारा ध्वजारोहण किया गया और शाम को राष्ट्रीय ध्वज को पूर्ण सम्मान देने के लिए रिट्रीट समारोह का भी आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि स्कूल प्रबंधन और परिजन दोनों को कोरोना संक्रमण से प्रभावित है, जिससे परिजनों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए स्कूल ने निर्णय लिया है कि स्कूल में आने वाले बच्चों को एडमिशन पर छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूल सरकारी निर्देशों का सख्ती से पालन कर रहा है, जो भी दिशा निर्देश सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं उन्हें पूर्ण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश सरकार उन्हें निर्देश देगी तो वे स्कूल फिर से खोलेंगे। नमस्कार, मैं अनुश्रीता सिंह, गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार की प्रधानाचार्य। सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयां देना चाहते हैं। जी, आज हमने झंडा रोहण करा है। जैसे कि आपने देखा है कि फ्लैग होस्टिंग तो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे गणतंत्र दिवस का, वो तो हमने करा है, और साथ ही हम रिट्रीट भी करेंगे। फ्लैग रिट्रीटिंग सेरेमनी भी हम इवनिंग में रखा है हमने, हम वो ज़रूर करेंगे। जैसा आप सभी को पता है कि कोविड ने हम सभी को प्रभावित किया है। हमारे पेरेंट्स ने बहुत सारी क्राइसिस में भी हमारा साथ दिया है, और उनको एक हेल्पिंग हैंड देने के लिए हमने ये निश्चय किया है कि हम उन्हें एडमिशन फीस में डिस्काउंट देंगे। जैसा आप जानते हैं कि हम सिर्फ सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं और उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही हमें नोटिस मिलता है कि स्कूल रीओपन हो सकते हैं, हम स्कूल रीओपन करेंगे और हम अपने बच्चों का वेलकम करेंगे।